खबर है उत्तराखंड से, जहां मुक्ति धाम अध्यक्ष विजय सुखीजा से की गई विशेष चर्चा। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर से, जहां गदरपुर में एक ऐसा शख्स है जिसने अपने आप को मोक्ष धाम को समर्पित कर दिया है। उस महान व्यक्ति का नाम विजय सुखीजा है। इस शख्स के पास पैसे की कमी नहीं, चाहते तो अपना जीवन आरामदायक गुजारते, लेकिन सुखीजा जी ने तो अपने आप को उस काम में लगा दिया है जो कोई करना नहीं चाहता। मोक्ष धाम में घुसते ही आपको एहसास होगा कि किसी बेहतरीन जगह पहुंच गए, या फिर यूँ कह लीजिए कि हम स्वर्ग की सैर कर रहे हैं। देश विदेश और प्रदेश में ऐसा शायद कोई मोक्षधाम नहीं होगा जैसा विजय सुखीजा जी ने गदरपुर मोक्षधाम को बना दिया है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से यहाँ आपको मिलेगा। मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार के समय महिलाएं धूप में बैठा करती थी, उसे भी सुखीजा सेट डालकर पूरा कर दिया है। मोक्ष धाम में आपको पार्क में स्टैचू भी मिलेंगे, वही गंगा जल की भी व्यवस्था की गई है। अंतिम संस्कार के लिए आपको किसी भी चीज़ की यहाँ कमी महसूस नहीं होगी। इस देश में बड़े बड़े शहर हैं और किसी के पास शायद पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा मोक्ष धाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिएगा गदरपुर से सानूर अली की यह खास रिपोर्ट। आदाब, मैं फास्ट न्यूज इंडिया से ब्यूरो चीफ शाहनूर अली। मैं इस समय हूँ गदरपुर शमशान घाट मुक्ति धाम में। यहाँ पर हमारे साथ में हमारे बड़े भाई विजय सुखीजा जी हैं। यहाँ पर शमशान घाट की अगर बात करें तो यहाँ पर शमशान घाट में आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि हम शमशान घाट में आए, ऐसा लग रहा स्वर्ग में आ गए। यहाँ का पार्क, यहाँ के मतलब बैठने की सुविधा, चेयर्स वगैरह, बाकी इसकी जानकारी हमारे विजय सुखीजा जी हैं, ये इस बारे में बताएंगे। इनके माइंड में क्या कुछ आया, कैसे इतना अच्छा शमशान घाट को स्वर्ग के रूप में इन्होंने तब्दील किया, इस विषय में आइए बात करते हैं। सर, फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत। सर, यहाँ पर आपके द्वारा जो है, आपके संस्था के द्वारा या आपके द्वारा इस गदरपुर शमशान घाट को आपने स्वर्ग में तब्दील ये करने का प्रयास किया है, और यहाँ पर आपने इतना बेहतरीन ये तरीके से पार्क की सुविधा की है, बैठने की सुविधा की है, और यदि आंधी तूफान बरसात भी आती है तो उसको फिर एक छत देने का कार्य किया है। इस पर क्या कुछ सर आपका कहना, कैसे आपने इस कार्य को किया और आपके मन में क्या भाव आया? हमारे मन में ये भाव आया, हम लोगों के मन में ये बहुत था कि हम इसकी सेवा करें, और इस सेवा के लिए हमारे पिताजी ने बहुत प्रेरित किया हमें। बस उसके बाद हम लोग इसमें सेवा में लग गए और बढ़ते गए, बढ़ते चले गए, और इस सेवा में समाज का हमें इतना सहयोग मिला है, सब लोगों ने मिलजुल के इसको एक उस मुकाम पे लाए हैं कि ये बहुत ही अच्छा हो गया। अब लोग इसमें घूमने आते हैं, लेडीज आती हैं, पूजा पाठ करती हैं, और सब घूमते हैं, बच्चे सब पार्क वर्क में सब लोग घूमने आते हैं। सर, बात की जाए जैसे कि आरती को लेकर आते हैं, तो यहाँ पे गंगा जल की भी आपने एक व्यवस्था कर रखी है, सब प्रथम उस पर गंगा जल छिड़का जाता है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? इस तरह है जी, जिस समय अर्थी आती है, अर्थी को यहाँ विश्राम दिया जाता है, तो यहाँ जितने भी लेडीज़ वगैरह आती हैं, जेंट्स आते हैं, तो उस पर गंगा जल की धारा चलती है, वो सारी गंगा जल शिवजी जी की जटाओं से सारी चलाई जाती है। और सर, इसके साथ साथ जैसे कि अगर मौसम ख़राब हो, पहले क्या होता था, मौसम ख़राब होता था तो लोग छत नहीं थी, आपके द्वारा एक छत देने का प्रयास भी किया गया है, तो सर इस पर क्या कुछ कहना? वो जितनी भी बारिश आ जाए, मौसम ख़राब हो, आंधी तूफान हो, वो सारी व्यवस्थाएं पूरे शेड बने हुए हैं, और चाहे रात को भी अगर कभी संस्कार होता है, चाहे 11 बजे हो, 12 बजे हो, ये पूरी व्यवस्था है लाइटिंग की। और चौथे पे जो दसवें पे जो रस्म होती है, उसमें मुंडन संस्कार वगैरह के सारे पक्के इंतजाम हैं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर शमशान घाट में। सर, अगर शमशान घाट के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ के शौचालय की, सर शौचालय का इतना अच्छा रूप आपका देने का प्रयास हुआ है, इस पर सर कुछ कहें? ये सब उस मालिक की कृपा है, बस वो मालिक ने दिया, हम लोग तो सेवा करते हैं, मालिक जैसे जैसे चाहता है हम लोग सेवा करते रहते हैं, और सेवा में ही आगे बढ़ना है, बस यही उद्देश्य है जीवन का।
सर, अभी यहाँ पर स्टैचू बनाए गए हैं, यहाँ पर स्टैचू ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके अंदर बिल्कुल ये अभी खड़े हो जाएंगे। जी, जी, सर ये आपके माइंड में कैसे विकल्प आया, इस पर क्या कहेंगे? ये सब उस मालिक की कृपा है। एक बार मैं बाहर गया था पंजाब, तो मैंने वहाँ देखा था तो इतना अच्छा पसंद आया, तो फिर मैंने वहीं के कारीगर आए थे, वही लोग बना के गए हैं और बहुत ही सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। सर आपको भी कुछ लगता है, जैसे हमारे हिसाब से तो आपने एक तो ए टू जेड इसमें कोई कमी नहीं है, आपको अभी कुछ लग रहा है कि इसमें और कुछ चेंज होना चाहिए? जी अभी हम लोगों का प्रोग्राम है, कम से कम 40-50 लाख रुपये और खर्च करने का प्रोग्राम है। इस पर 2-3 शेड बनने हैं, एक मंदिर बनना है बहुत बड़ा, मतलब विशाल का है, और भी एक दो काम है जो मालिक ने चाहा तो 2-3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ में विजय सुखेजा जी, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो है अभी कुछ और कार्य बाकी है जो इन होना है। तो सर आपने हमारे लिए समय निकाला फास्ट न्यूज़ के लिए, आपका सर पहले तो तहे दिल से ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में विजय सुखेजा जी ने हमसे बात की, मैं अपने कैमरामैन के साथ शाहनूर अली, फास्ट न्यूज़ इंडिया ब्यूरो चीफ।